तरफ जा रहे हैं, हाटू पीक टाइप। ये जो रास्ता है बहुत ही ठीक है, नॉर्थ देखिए, तो ऐसे रास्ते बहुत संभाल के चलानी पड़ती है, देने और इतने पड़ते हैं सिग्नल लेने भी पड़ते हैं। चलाना पड़ेगा भाई, ये भाई ये देखो हम, जगह का नाम है हाटू पीक। ये देखो इधर एक अलग ही ग्रीन वैली है, ठीक है, घने जंगल है। बहुत बड़ी बात है, ये देखो हो पड़ता है, जरूर आना पड़ता है। ये थोड़ा सा वाटर देखो चढ़ानी है भाई, पूरा रोड बनाएंगे वो बड़ी बात है। क्या भाई वापस चल, अरे जंगली जानवरों से सावधान रहे, तो देखो वसूल है। एक एक नाला ऊपर करते करते कितने वहां पर ना राइड हो गई है, मान मत लेगा पहले ऊपर आते हुए दिखाया, अब नीचे जाते हुए। और सोचो चल के एक ड्राइवर ने मुझे कहा भाई साहब जाते हुए नीचे तो बिकॉज इज बिट डेंजरस, हाँ ब्रेक मारो ना तो चक्का टायर जो होता है गाड़ी। और रास्ते में मैंने एक दो जानवरों से, ये हम तो बच के ही रहना चाहते हैं, बस जानवर हमें बच दो रही है। पर आराम से लेटा था काफ़ी देर तक, मैंने तो कुफरी और ना दे रहा। देखिए भाई देखिए देखिए रोड, अभी दो तीन बज रहे हैं बताओ भाई, ये लोग तो पैदल आए हैं। हाँ तो सर्दी ट्रैकिंग होगी, ऊपर दो जने खड़े, इससे अच्छा पहले ही मोड़ पे रुक जाएं। ये देखो गाड़ी स्लिप हो रही है, ये देखो हालात तो एक्सट्रीम ही रहते हैं दोनों ही जगह। नहीं पड़ रही, ये देखो भाई तो जगह को मेंटेन तो समझ में आ रहा, हाँ जैसा बना रखा है। अगर गाड़ी आ गई है, ओहो कई पहाड़ी लोगों के लिए अपने लिए छह सात चूर दे, मनाली जाना है तो फिर चूड़दार नहीं जा। ये देखो इस जगह से कोई गाड़ी आ रही हो उसके लिए बैग लेना मुश्किल हो जाए,
किलोमीटर में माथेरान बहुत ध्यान रखना पड़ेगा।